ओम एक ऐसा रहस्यमय शब्द जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शब्द कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। एक ऐसा शब्द जो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान चक्षु खोल देता है। लेकिन क्या सच में हम इसके बारे में पूरा सच जानते हैं? आखिर क्या है इसे उच्चारण करने की विधि और क्या है इसका असर? अगर हम हमारे धर्म ग्रंथों से जानें, तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो शून्य को मस्तिष्क से जोड़ सकती है। हमारे वेदों में ओम को उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, अर्थात इसी से सृष्टि की रचना हुई है। जब इस सृष्टि की भौतिक अवस्था की शुरुआत हुई, तब सबसे पहली ध्वनि ओम की ही थी। ऐसा नहीं है कि ओम की ध्वनि को सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित रखा गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। 21वीं सदी में तो पश्चिमी वैज्ञानिक भी ओम पर रिसर्च करने में लग गए हैं, क्योंकि योग मुद्रा में इसका असर शरीर पर चमत्कारी रूप से होता है। भारत की कई यूनिवर्सिटीज में ओम शब्द पर कई तरह के शोध हुए, जिसमें ये असर सब पर साफ था कि रोज ओम का उच्चारण करने वाले लोग दूसरों से ज्यादा शांत थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि ओम के उच्चारण से उन लोगों की कई बीमारियां बड़े ही धीमे असर कर रही थी। कई वैज्ञानिक इसे प्लेसिबो इफेक्ट मान रहे थे। प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब कोई नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव चीज से बदला जाता है। जैसे कई लोग बिना बीमार होते हुए भी खुद को सोच सोच कर बीमार हो जाते हैं। जब उन्हें सिर्फ साधारण चीनी की गोलियां देकर झूठ कहा जाता है कि ये एक मेडिसिन है, तो इससे वो पॉजिटिव होकर बीमारी को ठीक होने का दावा करने लगते हैं। क्या ये इफेक्ट भी ओम के इफेक्ट से समानता रखता है? यूनाइटेड स्टेट्स में भी कई जगह पर इस बात पर रिसर्च चल रही है कि क्या ओम की ध्वनि का असर शरीर पर पड़ता है। इसके लिए अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है। हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग पड़ता नजर आता है। ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर्स खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के चलने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जो बिल्कुल हिंदू धर्म में बताए श्री यंत्र जैसी होती है। कोई और ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर्स ने खुद दावा भी किया कि ओम की ध्वनि चलने पर मस्तिष्क पर भी अलग ही असर पड़ता है, और हो सकता है इसके उच्चारण से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता हो। अगर हम बात करें हमारे धर्म ग्रंथों की, तो उसमें भी यही बताया गया है कि ओम की ध्वनि के उच्चारण से ही ईश्वर का ज्ञान पाया जा सकता है। लेकिन इसका सही उच्चारण करने पर ही यह असर पड़ता है। इसकी विधि हम आपको बताते हैं। धरती पर योग मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ओम की ध्वनि को लंबा खींचते हुए उच्चारण करना होता है। इसका सही समय भी प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही होता है, तभी हमारा मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है। इसका उच्चारण भी एक एक शब्द को लंबा खींच कर करना पड़ता है। आप भी इसे एक बार आजमा कर देख सकते हैं, और इसका असर आप पर क्या पड़ता है हमें कमेंट्स में बताएं। इसी के साथ ऐसा ही धार्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।